मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, मोबाइल का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक बना, ऑटोमोबाइल का तीसरे नंबर का उत्पादक बना और स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। अभी अभी मोदी जी G7 की बैठक में गए, कोई प्रधानमंत्री उनके ऑटोग्राफ मांगता था, कोई राष्ट्राध्यक्ष इनसे अपॉइंटमेंट मांगता था, और अफ्रीका गए तो किसी किसी ने तो पैर छूकर आशीर्वाद भी दिए। मित्रों, ये जो सम्मान, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, विदेशों में मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, ये नारे मोदी जी के सम्मान के लिए नहीं है। ये नारे सिरसा, हरियाणा और भारत के 130 करोड़ की जनता के सम्मान के नारे हैं। मोदी जी ने दुनिया में भारत को आगे बढ़ाया है। किसानों के कल्याण की बात हुडा साहब करते हैं, हुडा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुडा साहब, 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान कितना गेहूं खरीदा हिसाब लेकर आ जाओ आप। सबसे ज्यादा धान, सबसे ज्यादा गेहूं अगर किसी ने खरीदा है, सबसे ज्यादा दाम से खरीदा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा। 2023-24 में 260 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और धान 385 लाख मैट्रिक टन करा। सिर्फ इस वर्ष में ही 47,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदने का काम हुआ है और अब चेक भी आपके अकाउंट में सीधा ही जमा हो जाता है भैया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता है। हुडा साहब, आपकी सरकार अनेक साल रही, कभी 6,000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। हमारे मनोहर लाल जी ने 52 योजना लाई, आप कई साल मुख्यमंत्री बने, 52 योजना नहीं लाए। किसानों को क्रॉप परिवर्तन के लिए भी आपने कभी कोई काम नहीं किया। मित्रों, ये हुडा सरकार जो थी, ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा डी दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। मित्रों, मनोहर लाल खट्टर एक प्रकार से पहले पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था, रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है और हर वर्ग का हमने विकास किया है। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ODS प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही है। मित्रों, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ऊपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी, उन्होंने हरियाणा के विकास में कुछ नहीं छोड़ा। 2019 से अब तक $5.22 बिलियन का फॉरेन का निवेश मिला है। 400 फॉर्चून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है।
और देश में दो गाड़ी बनती है। मेरी बात ध्यान से सुनना सिरसा वालों, देश में दो गाड़ी बनती है तो इसमें से एक गाड़ी मेरे हरियाणा से बनकर देश में जाती है। मित्रों, हरियाणा नशे का शिकार बन रहा है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात से बहुत चिंतित है और उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सामने एक लक्ष्य रखा है कि कुछ ही समय में भारत नशा मुक्त होना चाहिए और ये अभियान हरियाणा में चालू हो गया है। मित्रों, सिरसा में भी ये 9 साल में बहुत कुछ हुआ है। 1513 करोड़ रुपए का किसानों को बीमा का क्लेम दिया है। हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 एकड़ भूमि पर 1000 करोड़ के साथ मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। सिरसा फतेहाबाद मार्ग का निर्माण चल रहा है, कई नए पुल बन रहे हैं। सिरसा के तेजाखेड़ा, आशाखेड़ा और चौटाला की जमीन पर मेगा फूड पार्क बन रहे हैं। सिरसा में एक नए जल उपचार संयंत्र का निर्माण हुआ है और सौर ऊर्जा केंद्र भी गुजरात में बन रहे हैं, सिरसा में बन रहे हैं। मित्रों, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना सारा विकास कभी पर नहीं हुआ। सुनीता दुग्गल हमेशा भारत सरकार के मंत्रियों के पास आपके सवालों को लेकर झगड़ा भी कर लेती है और गिड़गिड़ा भी लेती है। एक ताली सुनीता बहन के लिए बजा दीजिए सभी लोग। मित्रों, ये हुडा जी हमेशा कांग्रेस की बात करते हैं। मैं हुडा जी को पूछने आया हूं, हुडा महाराज हिसाब लेकर हरियाणा की जनता को दो कि आपके शासन में, कांग्रेस के शासन में, ऊपर नीचे दोनों आपकी सरकारें थी, आपने हरियाणा को क्या दिया। मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से 14 तक हरियाणा को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई, जरा बोलो तो, 40,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 1,30,000 करोड़ रुपया, और वो हमारा हिसाब मांगते हैं। मित्रों, हमने 1400 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनाए, 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में घोषित किए, 20,000 करोड़ रुपये से आर्थिक गलियारे की योजना बनाई, 12,150 करोड़ की लागत से सबसे बड़े गुरुग्राम पलवल 9 जिलों से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे को बनाया, 4,000 करोड़ की लागत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है, और इसके साथ साथ 11,000 करोड़ की लागत से खरखोदा में 10,00,000 वाहन की प्रति साल क्षमता रखने वाली मानूर्ति का विस्तारीकरण कार्यक्रम हुआ है।